आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज, एक नज़र हर खबर। न्यूज देखने से पहले सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब कोई गरीब लाचार न रहेगा बीमार, क्योंकि भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट चला रही है निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जहां लोग अपने बीमारियों का इलाज करा पाए। भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट के तत्वावधान में एक ऐसा ही हॉस्पिटल खगड़िया जिला के राटन गोगड़ी गांव में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में खोला गया। आपको बता दें कि भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉक्टर आर एन भारती हैं, जो पेशे से चिकित्सक हैं। उन्होंने कहा कि हम गरीबों को सेवाएं देने के लिए हर संभव सभी जरूरी सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। आगे देखें पूरी खबर अपना अररिया न्यूज़ के साथ। हॉस्पिटल में 90% नारी का ही आगमन होता है।
इसलिए ये आयोजन बहुत ही अच्छी सोच हमारे मुखिया जी के द्वारा हमको बुके प्रदान किया गया। हमारे मंच पर आदरणीय कृष्ण नंदन बाबू जो इस क्षेत्र के रिटायर से ही प्रधानाध्यापक थे, वो माला से उनका सम्मान करेंगे। माला लग रही मैं शांति का दान चाहूंगा, क्योंकि नियम के मुताबिक बहुत धरोहर में बहुत हड़बड़ में कहा जाए देहाती भाषा। हमारे आयोजक मंडल ने इस व्यवस्था को आकाश दिया है, क्योंकि हमारे जो मुख्य उद्घाटन करता है डॉक्टर आर्यन भारती, उनको समय नहीं था, उन्होंने गिनती समय निकाल कर यहाँ दिया। हम भी यहाँ का चिकित्सक हैं, जितना हो सकेगा तो ट्रस्ट में जो है सो योगदान देंगे ही। सर्व स्वास्थ्य अभियान को लेके आगे बढ़ेंगे और इस ट्रस्ट के माध्यम से जन जन तक स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। अगर स्कूल की यहाँ व्यवस्था नहीं है, एक प्राइवेट एक अच्छा संस्कार स्कूल खोलिए, एक VIP स्कूल खोलिए, वहाँ हॉस्टल की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो। अभी के जमाना में क्या है कि पंखा से कम चलने वाला नहीं है, AC की भी व्यवस्था हो बच्चा के लिए और वो भारतीय सेवा सदन पूरा करेगा। एक ट्रस्ट है लेकिन पूरे भारत पर छाया हुआ है। आज भारतीय सेवा सदन तीन स्टेट में छाया है और सिर्फ सेवा की भावना से आप स्कूल खोलिए। स्कूल में हम बच्चा को सुविधा देंगे, कपड़ा देंगे, पढ़ाई लिखाई के सारा चीज खर्चा देंगे। मेडिकल कॉलेज खोलिए, पैरामेडिकल कॉलेज खोलिए, छोटे से अस्पताल जैसे खोले हैं ये खोलिए, लेकिन दिल से सेवा कीजिए, आत्मा से सेवा कीजिए। साथियों, यही संस्था है, यही संगठन है, यही मेरा समाज है, यही मेरा दृष्टि है, यही संस्कार भी है। हम अपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोशिश करें। माता बहनों के लिए जो सिलाई कटाई बुनाई का जो ट्रेनिंग का सेंटर होता है वो दे रहे हैं इनको। माता बहनों, अगर 2 घंटा टाइम अमर बाबू के पास आकर सिलाई कटाई की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनके लिए भी भारतीय सेवा सदन पैसा देगा, वो ट्रेनिंग भी लेंगे और पैसा भी लेंगे। तो काम कर ही रहे हैं भाई, आप तो रोजी रोटी कमा ही रहे हैं, थोड़ा अपना मैसे दूसरे को भी संभालिए। समाज में सद्भावना और विचार ये सबसे बड़ी जरूरी है। भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट इसलिए बनाए हैं कि हमारा समाज में कोई भी गरीब आदमी को इलाज करना पड़े तो भारतीय सेवा सदन उसको दवाई से लेकर, डॉक्टर से लेकर, बेड से लेकर, OPD से लेकर, जांच से लेकर, पैथोलॉजी का अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह से लेकर सहयोग कर सके। थोड़ा सा जो भी सहयोग करना पड़े, हमें सहयोग करना पड़े तो हम सहयोग कर सके, इसलिए भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट बनाया गया। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे बहुत बल मिला जब से मैं डॉक्टर साहब से अपना बात करा लेंगी। मुझे कहा था कि समाज की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। अगर आप भी चाहते हैं समाज की सेवा करना तो आपका वेलकम है और मैंने स्वीकार किया और उन्हीं के साथ आज गुरु के बात पर चलकर ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये बातों को स्वीकार करते हुए इस सभा की समाप्ति करते हैं। आप देख रहे हैं अपना अररिया न्यूज़, एक नज़र हर खबर।